नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा आज से प्रारंभ हो चुकी है। ये परीक्षा 5 दिनों में संपन्न होगी। प्रत्येक पाली में लगभग 24,500 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली पाली की परीक्षा शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई है। ये परीक्षा मानक भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप आयोजित की जा रही है। पुलिस और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है और आगामी दिनों में भी परीक्षा शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती परीक्षा जो आज से शुरू हुई है, ये टोटल 5 दिनों में ये परीक्षा पूरी होगी और प्रत्येक दिन 2 पालियों में इसमें परीक्षा होगी। पूरे प्रदेश की तरह जनपद गोरखपुर में भी आज पहली पाली की परीक्षा 10 से लेकर 12 बजे तक सकुशल संपन्न हुई है। जो भी प्रक्रिया और जो भी मानक भर्ती बोर्ड द्वारा तय किए गए थे, उन सभी मानकों को पूरा करते हुए, सभी अधिकारियों की निगरानी में प्रॉपर ड्यूटी लगाते हुए, पुलिस और प्रशासन की सभी टीम्स द्वारा इसको सकुशल संपन्न कराया गया है और इसी तरह से आने वाली पालियों की भी परीक्षाएँ सकुशल ढंग से संपन्न कराई जाएगी। गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय के 43वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में सहरा चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने फीता काटकर किया। उन्होंने प्रदर्शनी में छात्रों द्वारा आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता का अवलोकन किया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट पेंटिंग बनाई गई। कुलपति ने बताया कि 30 अगस्त को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों ने जो पेंटिंग बनाई है वो बेहद खूबसूरत है। उन्होंने छात्रों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ललित कला के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस अवसर पर संयोजक प्रोफेसर उषा सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा, आज दीक्षांत सप्ताह का शुभारंभ है। 30 अगस्त को हमारा दीक्षांत समारोह है, उसमें सभी विभाग कुछ स्टूडेंट को जोड़ते हुए कार्यक्रम करा रहे हैं। तो हमारा जो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट है, जो मैडम उषा सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शनी लगाई गई है आज यहाँ पर। और बच्चों ने तो बहुत ही सुंदर, बच्चों ने ही बनाया है जो कुछ बनाया है, और बहुत सुंदर आप खुद देखेंगे कि कितनी सुंदर पेंटिंग्स हैं, बच्चों में कितनी प्रतिभा है हमारे विश्वविद्यालय के लिए। क्या सदा चाहिए और बच्चों को? सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसको लेके आगे बढ़ें। देखिए फाइन आर्ट से बहुत स्कोप है इस समय, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग और आर्ट्स और इंटीरियर, बहुत सारा इसको बच्चों के लिए इस फील्ड में, और जैसा काम कर रहे हैं मुझे तो उनका भविष्य बहुत अच्छा दिखाई देता है। सम्मानित भी किया जाएगा इन लोगों को? आज केवल एग्जीबिशन है यहाँ पर बच्चों की। गोरखपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा आज 2 पालियों में 55 केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सभी केंद्रों पर पुलिस कर्मियों और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी, जो पूरे परीक्षा केंद्रों पर नजर रखे हैं। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र काफी अच्छा था, हालांकि उन्हें पेपर लीक होने की चिंता है क्योंकि उन्हें इस परीक्षा के लिए काफी मेहनत की है और उन्हें पूरा विश्वास है कि वे इस बार सफल होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह व परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने कहा, भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा आयोजित जो परीक्षा है वो गोरखपुर में 55 सेंटरों पर आयोजित की गई थी। प्रथम पाली की परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई है। दूसरी पाली की परीक्षा का प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, जो कि 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, 5:05 तक समाप्त होगी। किसी भी केंद्र से किसी प्रकार की कोई समस्या का सूचना नहीं प्राप्त हुई है। परीक्षा पूरी तरह से निर्विघ्न रूप से हम लोग ने आरंभ कराई और समाप्त कराई है और सभी रूप जो दिए गए निर्देशों का हम लोगों ने अनुपालन कराया है। अभ्यर्थियों के आने जाने की व्यवस्था? अभ्यर्थियों के आने जाने के लिए हम लोगों की तरफ से बसें लगी हुई थी, जो सिटी बस थी उनमें भी मुफ्त यात्रा का प्रयोजन किया गया था और रात में भी हमारे आरंभ रोडवेज से बात हुई थी तो उनके द्वारा भी रेलवे स्टेशन पे और बस स्टैंड पे दो अतिरिक्त बसें लगाई गई थी। और ऐसा भी नहीं था कि किसी अभ्यर्थी ने हम लोगों को फ़ोन करके बताया हो कि हमें जाने आने में समस्या है, तो पूरी तरीके से व्यवस्था चाक चौबंद रही। सर कितने दिन तक परीक्षा है ये? परीक्षा 23, 24, 25, 30, 31, 5 दिनों की परीक्षा है, जो कि हर दिवस 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। कैसा रहा एग्जाम आपका? बढ़िया हुआ। क्या लग रहा आज पेपर देकर? अच्छा ही नहीं। कुछ कठिन रहा? कुछ नहीं, कठिन नहीं था। कठिन नहीं था। कहाँ से आए आप? देवरिया। मेरा नाम जितेंद्र यादव है। कहाँ से एक परीक्षा देने आए? हम हैं जौनपुर जिले से। जी जी। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर बहुत ही सरल रहा, जिस हिसाब से हमें 6 महीने का टाइम मिला
उस हिसाब से तो पेपर बहुत ही इजी था। अच्छा, जिस हिसाब से पेपर लीक का मामला चल रहा है, क्या लग रहा है, डर लग रहा है? पेपर लीक का मामला जो था पहले, अब तो नहीं लग रहा है पेपर लीक का मामला, क्योंकि हर बार एग्जाम से पहले पेपर आउट हो जाता था, लेकिन इस बार तो ऐसा कोई शिकायत अभी तक सामने नहीं आया है। कुछ संदिग्ध पकड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा तो अभी कुछ सूचना जारी नहीं हुआ हम लोग के बीच में कोई भी संदिग्ध ऐसा हो। क्या लग रहा है पेपर देखो? पेपर देखो तो लग रहा है ऐसा कि उम्मीद है इस बार हो जाएगी। प्रकाश, परीक्षा दी आपकी, कैसा रहा? बेहतर था, क्वेश्चन बेहतर था, बढ़िया था। क्या लग रहा है पेपर कैसा था? बहुत बेहतर था, हमको लग रहा है 90 से ऊपर गया, ठीक रहा, बेहतर है। अच्छा, देखा जाए एक तरह से, कहाँ से आए? कैसे, कहाँ से आए? बलिया से आए। पेपर सही हुआ सर? किस तरह के क्वेश्चन? क्वेश्चन थोड़ा टफ था, रीडिंग वाला पेपर थोड़ा टफ था, लेकिन अच्छा हुआ। कहाँ से आए आप? आजमगढ़। क्या नाम आपका? नीति। मंडलायुक्त अनिल ढिगरा और DIG आनंद कुलकर्णी ने पुलिस भर्ती परीक्षा के विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान मंडलायुक्त अनिल ढिगरा ने परीक्षा केंद्र की व्यवस्था के साथ साथ परीक्षा प्रक्रिया का भी जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि संदिग्ध अभ्यर्थियों पर कड़ी नजर रखी जाए, यदि कोई संदिग्ध अभ्यर्थी दिखाई देता है तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। सभी अभ्यर्थियों पर कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जाए, क्योंकि हमारा प्रयास है कि परीक्षा शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो। उन्होंने कहा कि प्रवेश के समय सभी अभ्यर्थियों को पूरी तरह से तलाशी ली जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SDM सदर मेलानी अविनाश जोशी और CEO कैंट अंशिका वर्मा ने पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र सेंट एंड्रूज इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान SDM सदर ने परीक्षा ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों से परीक्षा के संबंध में जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी अभ्यर्थियों को बिना जाँच के परीक्षा केंद्र में प्रवेश न दिया जाए। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए। ADM सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा 55 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक व द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्रत्येक पाली में लगभग 24,500 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। अब तक किसी भी केंद्र से कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। शासन के निर्देशानुसार सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस नोडल अधिकारी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त 3 उड़न दस्ते भी गठित किए गए हैं जो सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रत्येक केंद्र पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसकी निगरानी जिला और लखनऊ मुख्यालय से की जा रही है। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए ADM सिटी अंजनी कुमार सिंह ने कहा, हर सेंटर पे हमारे पुलिस नोडल, हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक हैं। इसके अतिरिक्त हम सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारे यहाँ से पेपर लेके जा रहे हैं। उड़न दस्ते का हम लोगों ने मतलब है कि 3-3 उड़न दस्ते हैं जो कि केंद्रों के बाहर लगातार भ्रमणशील रहे हैं। हर केंद्र पे एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग हमारे जिले केंद्र पे और लखनऊ तक वो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। सर, जो भी संदेह व्यक्ति पाए जाने उनके ऊपर जो भी संदेह व्यक्ति अभी तक तो कोई पाए नहीं गए हैं, जो भी संदेह व्यक्ति पाए जाएंगे तो उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की